राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से जो है बैलेट पेपर से पैदा होते हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं सभी युवा और सभी साथियों को कि इस बार हमारी वोट की चोट है, हम जिसको चाहेंगे वो हमारा राजा बनेगा, राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और 27 तारीख को जो है पांचवें चरण का चुनाव भी होने वाला है प्रयागराज मंडल का। ये जानते हैं जो हमारे साथ में बीएसपी के प्रत्याशी सुशील गौतम जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या माहौल चल रहा है। अभी 27 तारीख को वोट भी पड़ने वाले हैं प्रतापगढ़ में, क्या माहौल है सर यहाँ पे? जब से बहन कुमारी मायावती जी का आदेश हुआ है सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता समर्थक साथी रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि पूरा बाबागंज बसपामय हो गया है, पूरे सर्व समाज की जनता बसपा की तरफ रुक कर चुकी है और सर्व समाज की जनता बाबागंज में बहुजन समाज पार्टी को जिताने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। हम अपनी तरफ से सर्व समाज की जनता का चरण स्पर्श करते हुए उन्हें आभार प्रकट करते हैं कि इतने बहुमत से सहयोग आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरी जनता का हम आभार प्रकट करते हैं। सुशील गौतम जी का कहना है कि इधर जो है सर्व समाज का जो है समर्थन मिल रहा है, और अभी हमारे बीच में प्रवीण भारती जी, उनसे भी जानेंगे जो है पासी समाज जो है 30% अधिकतर जो है सपा के साथ जा रहा है। देखिए, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद में समय निकाल करके हमारे पार्टी संगठन के बहुत ही जिम्मेदार साथी सुशील गौतम जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने आज समय निकाल करके आज सुबह से मैं निकला था, तो जगह जगह पर मैंने पासी समाज के बीच में जा कर के देखा तो पासी समाज अब की बार पूरी तरह से बाबागंज विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील गौतम जी को जिताने के लिए पूरी तरह से ललायत भी है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए और उनको बनाने के लिए पूरी तरह से पासी समाज तत्पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये भी कहना चाहता हूं कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय भाई सुशील गौतम जी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से जिता करके विजयी बनाए। पासी समाज के नेता प्रवीण भारती जी कह रहे हैं कि पासी समाज जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और जो है उधर सपा वाले जो है अखिलेश यादव भी सब दावा करते हैं कि पासी समाज हमारे साथ है, क्या सही है सर? ऐसा कुछ नहीं है, बाबागंज की तस्वीर दूसरी है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की दिशा में हम लोग यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। बाकी जो अन्य पार्टी हैं वो सब बाहरी कैंडिडेट हैं। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, चूँकि 2007 में जब चुनाव हुआ था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी मात्र 6,000 वोट से पीछे थी, और उस समय जनसत्ता और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन था, और जो अन्य समाज थे उनका भी पूरी तरीके से समर्थन नहीं था। आज के 22 की जो स्थिति है, 22 में पूरे बाबागंज की जनता पूरा बदलाव का मूड बना चुकी है। 80% जनता बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जाने जा रही है, वो चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज है, 80% जनता सर्व समाज की जनता बहुजन समाज पार्टी को वोटिंग करने जा रही है। हम सर्व समाज की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनका सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सरल चरण स्पर्श करते हैं। और उधर जो है भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, कहीं नहीं जा रहा। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा ऊंचा गुरु है, मैं बहुजन समाज पार्टी में 90 से लगा हुआ हूं। मैं उपाध्यक्ष रहा कुंडा, बाबागंज कोषाध्यक्ष हूं, ब्राह्मण समाज का प्रभारी हूं बाबागंज का, और हमारा ब्राह्मण समाज जो है पूरा बसपा में जुड़ा हुआ है, सारे लोग निकले हुए हैं और सर्व समाज के लोग हमारे साथ, कम से कम 150-200 आदमी के साथ हम निकले हुए हैं, 40-45 गाड़ियां भी हैं हमारे साथ, और पूरा मैं पूरी विधानसभा का भ्रमण कर रहा हूँ। जनता का जो उत्साह है हमको सबको देखने के बाद एकदम गदगद है जनता, और वो खुश है पूरा समाज में। राजा भैया का जो है ब्राह्मणों के ऊपर दबदबा होता है, आपको डर नहीं लगता है? राजा भैया, मैं तो 90 से इनका विरोध कर रहा हूँ, मैं तो हाथी का आदमी हूँ, हाथी हूँ, हमको क्या चिंता है, हमको कोई नहीं, मैं किसी का बंधुआ मजूर नहीं हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ,
मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बहन जी का प्यार मिलता है, बहन जी का वो जो सरकार है उनसे हम बहुत खुश हूँ, उनका प्रशासन बहुत बढ़िया है और ऐसा प्रशासन कुंडा बाबागंज में बहन जी के द्वारा होना चाहिए और बहन जी को मुख्यमंत्री पद से कोई हटा नहीं सकता है। बहन जी की मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बनेंगी, ब्राह्मण समाज उनके साथ लगा हुआ है और बहन जी से इसलिए खुश हूँ कि ब्राह्मण समाज को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टिकट देने का काम किया है, लड़ाने का काम किया है। बहन जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज के अगुवा सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं और हमारे बीच में जो है ब्राह्मण समाज के व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में, क्या कहेंगे सर? मिश्रा जी बड़े सरल सुलभ और शिक्षित व्यक्ति हैं, बाकी आप जो पूछना चाहें उसको हम बताएं। मिश्रा जी क्या माहौल चल रहा है आपके इधर जो है ब्राह्मण समाज में? ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और राजा भैया का दबदबा रहता है, वो जो है दावा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के तरफ किस बेस पे आ रहे हैं आप लोग? दावा तो कोई भी कर सकता है, तो वो भी दावा करते हैं लेकिन उनके साथ ब्राह्मण समाज नहीं है। और इनके साथ में काफ़ी समर्थक हैं, उनसे भी जानेंगे क्या माहौल है, क्या कहेंगे आप लोग? का माहौल पूरे बाबागंज में है, बाबागंज में जो विकास नाम की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ और इस बार बाबागंज के लोग परिवर्तन चाहते हैं और सुशील कुमार गौतम जी लगभग मैं कह सकता हूँ कि लगभग 25-30 हज़ार से ऊपर जीत रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से जीत रहे हैं? अभी तक जो कुछ बचा खुचा था आज और कल के दौरे में सारे के सारे विरोधी पस्त हो गए हैं, इसलिए कि हमारा हर एक चप्पा चप्पा का लोग पहुंच गए हैं। इतना उत्साह लोगों का है कि हम लोग जहां जहां जा रहे हैं सारे समाज के लोगों का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इसलिए चुनाव हम इस बार बहुत बढ़ चढ़ के जीतने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जी सर, मेरा नाम शोभनाथ गौतम है। जो ये मोदी सरकार जब से आई है तब से इतना हमको बेरोजगार बना दिया है कि अंगूठा टेक बना दिया है और राजा भैया का 28-30 साल हो गया विधायकी करते हुए, हम लोगों को इतना बेरोजगार कर दिया है कि हम लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं। हमको बहन जी ने इतना अधिकार दे दिया बोलने का, बैठने का, चुनाव लड़ने का, इतना अधिकार किसी ने नहीं दिया। राजा भैया का अधिकार है कि राजा भैया चाहते हैं कि मैं राजा बना रहा हूँ, मैं राजा भवन मैं राजा बना रहा हूँ। क्या कहेंगे? राजतंत्र नहीं है जी, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी से सुशील भाई जितने वोट से विपक्षी यहाँ जीतते थे उतने वोट से विपक्षी अब की करारी हार उनको मिलेगी और सुशील भाई बाबागंज से बहुमत के तरीके से पूरी वोट लेकर वो चुनाव जीतेंगे। और विरोधी हमारे साथ में जो है इधर सुशील गौतम जी के समर्थन में इलाहाबाद से भी कुछ प्रचार करने के लोग आए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद है, मैं सुराव विधानसभा से आया हूँ। यहाँ इतनी भीड़ और इतने लोगों के जो कार्यकर्ता हैं इतने एक्टिव हैं, यह देखकर लगता है कि अब की बार बहन जी की सरकार जरूर बनेगी और यहाँ बाबागंज से सुशील भैया बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे। योगी सरकार कैसी लग रही है, कार्यकाल क्या है उनका? योगी सरकार जब से आई है तब से युवाओं को परास्त कर दी है, कोई भी भर्तियाँ निकलती हैं सब पेपर लीक हो जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी बाबागंज के देखा जाए तो माननीय सुशील गौतम जी बहुत भारी मतों से विजयी हो रहे हैं, कोई इसका आकलन नहीं लगा सकता है। जितना कि योगी जी जो है मंदिर बनवा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए राशन से हम जो है कुछ नहीं होने वाला है। देखिए राशन दे रहे हैं 5 किलो 10 किलो जो दे रहे हैं, उसके बाद 1-2 बीघा तो साढ़ चढ़ ले रहे हैं जो है, उस पर जो है रोक कौन लगाएगा जो है। और देखो इस बार बहुजन पार्टी में जो है युवा भी पूरा साथ दे रहे हैं, हर समाज के और हर पार्टी के। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सब जो हम लोग जैसे राजा के भी क्षेत्र में हैं तो राजा पहले के समय पे जो है राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से जो है बैलेट पेपर से पैदा होते हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं सभी युवा और सभी साथियों को कि इस बार हमारी वोट की चोट है, हम जिसको चाहेंगे वो हमारा राजा बनेगा, राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता। कौन आ रहा है 10 तारीख को? सुशील गौतम जी। मुख्यमंत्री किसको मनाएंगे? बहन जी को।
राजा भैया इधर से विधायक हैं, क्या कहेंगे? हमारे को क्या लेना देना है, कभी विधायक रहे होंगे क्या? हम उनके यहाँ कुछ लेने देने गए हैं? वो हमारे यहाँ स्वयं वोट लेने आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो इधर से प्रत्याशी हैं सुशील गौतम जी, उनको भरपूर सर्व समाज का जो है साथ मिल रहा है, और इधर ब्राह्मण समाज के लोग भी कह रहे हैं कि 10 तारीख को जो है विधायक सुशील गौतम जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री बहन जी बनने जा रही हैं।